नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल SS ऑटो केयर। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम बनाकर दिखाने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बाइक का एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म का डायग्राम। जो आप रिमोट से बाइक स्टार्ट करते हैं, उसकी डिवाइस में कौन कौन सी वायर लगी होती है, कहाँ कहाँ बाइक में इसकी वायर कनेक्ट होता है, ये सब हम डायग्राम के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए सीधा आप चलते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये सिक्योरिटी अलार्म डिवाइस है जो रिमोट से स्टार्ट करता है। अगर ये डिवाइस आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लिए हैं फोटोग्राफ में, आप देखे हैं कि डिवाइस कैसा होता है, अलार्म सिस्टम कैसा होता है, रिमोट सिस्टम। तो आप देख सकते हैं, हमने बाइक का एक फिगर बनाया हुआ है ट्रम्प रोली, और इसमें ये सीट कवर निकाला हुआ है। सीट कवर के अंदर डिवाइस फिट होता है जो थोड़ा भी बाइक का झटका लगने के बाद ये आसानी से ये कैच करता है डिवाइस। तो ये डिवाइस है सिक्योरिटी अलार्म का। इसमें इतना वायर निकला होता है, इसमें दो फालतू वायर भी रहता है जो किसी काम का नहीं होता है, मैंने वो दिखाया नहीं है। वैसे जो वायर बाइक में इंस्टॉल होता है वो वायर मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बजर है और ये इंडिकेटर फ्लशर है जो बाइक में लगा होता है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये सेल्फ रिले है जो सेल्फ स्टार्ट करता है। तो ये इंडिकेटर वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बीच वाला जो ग्राउंड होता है, एक साथ दो इंडिकेटर का वायर लगता है, वो ग्राउंड है यानी निगेटिव, और ये सिंगल सिंगल जो सॉकेट में लगता है ये प्लस है पॉजिटिव। तो ये इंडिकेटर का वायर है, इसमें हम लोग काम लगेगा। तो सबसे पहले पीला वायर हमारा जाएगा ये डिवाइस का, देखिए वायर ये दो 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 पीला, एक रेड, ब्लैक और एक ब्लू और ग्रे, इतना कलर का वायर हमें ये लगेगा। और ये के ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का वायर निकला रहेगा जो एंटीने का काम करेगा, जो रिमोट से काम करता है। तो इसकी वायरिंग कैसे होगी, यहाँ से सबसे पहले डिवाइस का देखिए, ये सॉकेट है बीच में, ये सॉकेट लगाने वाला होता है, और यहाँ से भी ये सॉकेट होता है लगाने वाला बजर में। तो सबसे पहले हम बजर को लगा लेते हैं सॉकेट में। ये सीधा जो बजर का वायर है ये सीधा इस सॉकेट में जाकर लग जाएगा। तो ये बजर का कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडिकेटर का वायर कर लगा देते हैं। ये दो जो पीला वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये सीधा वायर आएगा, ये दोनों प्लस में आएगा, पॉजिटिव में, दोनों इंडिकेटर के पॉजिटिव में आएगा। तो एक वायर ले आएंगे और इस पॉजिटिव में हम कनेक्ट कर देंगे, दूसरा वायर ले आएंगे और यहाँ से हम इस पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे। तो ये इंडिकेटर का काम हो गया, वायरिंग हो गया ये इंडिकेटर का। और ये जो लाल और ब्लैक, रेड और ब्लैक जो वायर है, ये जाएगा सीधा बैटरी में। तो सीधा बैटरी में हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। ये समझ लीजिए माइनस है और ये हो गया प्लस, ठीक है। तो इसकी हम ये जो माइनस है ये सीधा हम ले आएंगे, इस माइनस में कनेक्ट कर देंगे, और जो प्लस है ये सीधा प्लस ले आकर हम इसमें बैटरी में जोड़ देंगे। अब बच गया हमारा एक ब्लू वायर और एक ग्रे वायर, ठीक है। तो इस वायर को, ब्लू वायर को आप जानते हैं, ये सेल्फ का रिले है जो ये रिले में आप जानते हैं कि एक क्वाइल का पॉइंट होता है दो, ये प्लस माइनस, और दो होता है सेल्फ का पॉइंट जो सेल्फ में वायर जाता है। जो ये प्लस माइनस वायर आता है रिले का पॉइंट क्वाइल का, वो हैंडल पे जो सेल्फ स्विच लगा होता है उससे आता है इसमें रिले में। तो मान लीजिए ये प्लस वाला रिले स्विच से जो आया है, आप साइड का ढक्कन खोलेंगे तो आपको एक सॉकेट मिलेगा, उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो ब्लू वायर है इसको हम ले आकर
सीधा ये प्लस वाले में दे देंगे, ठीक है। तो ये जब रिमोट से हम स्टार्ट करेंगे तो ये से रिले जो है वो काम करने लगेगा रिमोट से, इसके जरिए, डिवाइस के जरिए, ठीक है। अब बच गया हमारा ग्रे वायर, तो ग्रे वायर कहाँ लगेगा, तो ये लगेगा हमारा इंडिकेटर फ्लशर में, ठीक है। तो यहाँ से ग्रे वायर हम यहाँ से निकाल कर ले आएंगे और सीधा हम इंडिकेटर के फ्लशर में एक वायर लगा देंगे। तो इससे क्या है कि जब हम अलार्म चालू करेंगे तो ये चारों इंडिकेटर आगे पीछे का दोनों और चारों इंडिकेटर एक साथ फ्लश करेगा ये फ्लशर के सहारे। डिवाइस रिमोट जो है, ये जो रिमोट होगा यहाँ पे, जैसे हम रिमोट का बटन ऑन करेंगे यानी अलार्म लॉक करेंगे तो ये डिवाइस को देगा। डिवाइस ये सारे वायर के जरिए ये सारा फंक्शन चालू करेगा। तो दोस्तों ऐसे ये सिक्योरिटी अलार्म इंस्टॉल होता है बाइक में। तो उम्मीद है कि ये डायग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।